नमस्कार, भारत मेरे साथ YouTube चैनल, भारत मेरे साथ Facebook पेज पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, वड़ताल गुजरात में महिला साहित्यकार सम्मेलन कवर करने आए थे और महिला साहित्यकार सम्मेलन जो है वो संपन्न हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं अभी भी हैं जो बैठी हुई हैं और उनसे हमने सोचा कि कुछ खास बातचीत करें। मैम है मेरे साथ, मैम आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम रीता सिंह सरजना है। जी, गीता सिंह जी है मेरे साथ में और गीता सिंह जी असम से आए हैं। रीता सिंह जी मेरे साथ में है और वो असम से आए हैं। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, इस सम्मेलन का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ भारत से, विभिन्न राज्यों से यहाँ महिलाएं आए और हम भी असम से आए, हमारे पूर्वोत्तर भारत से, नागालैंड से और असम से हम करीब 10-11 महिलाएं यहाँ पहुँचे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमें काफ़ी सीखने और समझने का मौका मिला। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस समय पे आप असम में कैसे साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा कार्य कर रही हैं जो महिलाओं में साहित्य की जागरूकता आ रही है? जी बिल्कुल, मैं असम में तेजपुर में रहती हूँ और पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी नामक एक संस्था को चलाती हूँ और उस संस्था के जरिए हम साहित्य हिंदी साहित्य के जरिए, हिंदी भाषा के जरिए हमारे पूर्वोत्तर के जितनी भाषाएं हैं वहाँ की साहित्य संस्कृति को लेकर हम चल रहे हैं और हिंदी में हम लिखते हैं और सभी मिलजुल कर महिलाएँ काफ़ी अच्छा अभी लिखने भी लगी हैं और आगे बढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लेखन की विधा क्या है, आप कैसे लिखती हैं, आप कविताएं लिखती हैं या आप कहानियाँ लिखती हैं या असम की संस्कृति के ऊपर कुछ लिखती हैं? मेरा कहा जाए तो मैं कहानियाँ ही लिखती हूँ ज़्यादातर, अभी लघु कथाएँ भी लिखने लगी हूँ, कविताएँ भी छिटपुट लिखती रहती हूँ, शोध पत्र भी कभी कभी प्रस्तुत कर ही लेती हूँ। तो मेन मुख्य विधा के रूप में आप कहानी समझ सकते हैं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, अनुवाद भी करती हूँ। मैंने यहाँ असमिया कहानियों का अनुवाद किया है, नेपाली कहानियों का मैंने यहाँ अनुवाद किया है और पत्र पत्रिकाओं में भी छपी है।